दोस्तों, विश्व के इतिहास में कई बड़े बड़े लीडर हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज करने के सपने देखे, और उन्हीं में से एक था तानाशाह हिटलर। जब बात आता है विश्व इतिहास की, तो तानाशाह हिटलर का नाम ना आए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, जिसकी मूर्खता के कारण पूरी दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध का दर्द झेला। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर परमाणु हमले से बर्बाद हो गए, लेकिन ऐसा किया हुआ था कि विश्व विजेता बनने के सपने देखने वाले को एक बंकर में सुसाइड करना पड़ गया। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, तानाशाह हिटलर का जन्म सन 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर की शुरुआती शिक्षा लिंच नामक स्थान पर हुई। हिटलर पिता की मृत्यु के बाद 17 साल के आयु में वियना चले गए। ये दौर था प्रथम विश्व युद्ध का, जिसमें अलग अलग देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। तब हिटलर काम छोड़कर सेना में भर्ती हो गया। करीब 4 साल युद्ध लड़ने के बाद 1918 में जब जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, तब इसके बाद हिटलर ने सेना छोड़ दी। इस 4 साल चले विश्व युद्ध में जर्मनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऊपर से जीते हुए देशों ने जर्मनी के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए, जिसे जर्मनी में बेरोजगारी भुखमरी का संकट चल रहा था। इसी दौर में बहुत जरूरत थी एक लीडर की जो आम आदमी के साथ खड़ा रह सके, क्योंकि तब आम जनता सरकार के ऊपर काफी गुस्सा हुए थे। तब हिटलर ने इस मौके को हाथों हाथ लिया और उसने एक पार्टी बना डाली, जिसका नाम था नाजी पार्टी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था यहूदी को मिले सभी अधिकार छीन लिया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि विश्व युद्ध में यहूदियों के कारण ही जर्मनी पराजय हुई। नाजी पार्टी की सोच को पूरी विश्व में नाजीवाद कहा जाने लगा। हिटलर ने आर्थिक रूप से टूट चुके जर्मनी लोगों को अपनी तेजस्वी भाषण से जन समर्थन हासिल कर लिया। हिटलर ने नाजी पार्टी के सिद्धांत को अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, और साथ ही जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक सैनिक टुकड़ी भी तैयार की, जिसकी विशेष अलग पोशाक थी। हिटलर ने 1923 में जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जिसमें उसे निराशा मिली। इस घटना के बाद उसे 13 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा। जेल में रहने के दौरान उसने खुद की आत्मकथा नील कैंप, जिसका हिंदी अर्थ है मेरा संघर्ष, नामक पुस्तक लिख डाली। इस पुस्तक में उसने लिखा है कि जर्मन पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें पूरे विश्व में राज करने के उसका नेतृत्व करना चाहिए। फिर जैसे जैसे लोगों को उसने ये समझाया, उसके बाद जर्मनी के लोगों का समर्थन उसे मिलता चला गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर 1932 में होने वाले चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस चुनाव में उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर अगले ही साल हिटलर चुनाव जीतने में कामयाब हो गया और 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का अत्याचार। सबसे पहले उसने पूरी संसद को भंग कर दिया, विपक्षी साम्यवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों को अवैध घोषित कर दिया, और यहूदियों का नरसंहार किया। उन पर अत्याचार के खूब कोड़े बरसाए। खुद को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। अब इन सब की बात उसकी नजर थी दूसरे देशों पर राज करने की, इसलिए उसने जर्मनी के लोगों को ट्रेनिंग देने की आदेश दे दी। इसके बाद हिटलर पूरे विश्व में विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना कर ली। सभी संधियों को तोड़कर पड़ोसी देशों पर हमला करने लगा। इसमें हिटलर की तानाशाह और जापान ने भी उसका समर्थन किया। विश्व विजेता लक्ष्य लिए इस ताकतवर टुकड़ी के खिलाफ विश्व के तमाम देश एक साथ आ गए, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ भी शामिल थे। सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर बड़े आसानी से विजय हासिल कर ली। इस विजय के बाद वो रुका नहीं, बल्कि 9 अप्रैल सन 1940 को हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर दिया। यह भी विजय मिलने के बाद हिटलर के हौसले और भी बुलंद होते चले गए। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने फिर बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर भी हमला बोल दिया। साथ ही अपने इरादे साफ कर दिए कि जर्मन अब नहीं रोकने वाला, और इसलिए फ्रांस को जर्मनी के आगे मुक्ति खानी पड़ी। फ्रांस ने जर्मनी के आगे सरेंडर कर दिया। तानाशाह हिटलर यह भी नहीं रुका, उसका अगला टारगेट था ब्रिटेन। जर्मनी के फाइटर एयरक्राफ्ट ने ब्रिटेन में घुसकर हमला बोल दिया, लेकिन ब्रिटेन ने भी जैसे कच्चे चने नहीं चबाए हुए थे। उसने न सिर्फ जर्मनी से आंख मिलाकर मुकाबला किया, बल्कि हिटलर की इरादों पर पानी फेरते हुए जर्मनी को परास्त कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब हिटलर को किसी दुश्मन के आगे मुक्ति खानी पड़ी। और अब इसके बाद भी हिटलर रुका नहीं, उसने अब सीधे रूस पर हमला बोल दिया। रूसी सेनाओं को हिटलर की इस चालाकी की खबर नहीं थी। तभी हिटलर ने रूस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन जैसे ही रूसी सेना ने पूरी ताकत और पूरी तैयारी से हिटलर की सेना का सामना किया और जर्मन सेना को आगे बढ़ने से पहले ही घेर लिया। इसके बाद हुई भीषण जंग में एक बार फिर तानाशाह हिटलर को ब्रिटेन में परास्त होने के बाद दूसरी बार मुक्ति खानी पड़ी। इसके बाद मित्र देश जैसे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ने रणनीति बनाई कि आगे एक साथ मिलकर हिटलर के इरादों पर पानी फेरने का काम करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस ने मिलकर इटली पर हमला बोल दिया, और हिटलर का सहयोगी इटली का तानाशाह मुसोलिनी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया।
और मित्र देशों के इस हमले से हिटलर को बड़ा झटका लगा और फिर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बार कर जापान के साथ साथ हिटलर की भी कमर तोड़ कर रख दी। विश्व के इस विनाशकारी हमले को झेल कर जापान ने भी अपने कदम पीछे कर लिए और जापान ने सरेंडर कर दिए। इसके बाद शुरू हुई हिटलर की उल्टी गिनती। उसके दोनों सहयोगी देश उसका साथ छोड़कर पीछे हट चुके थे। उसे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। विश्व विजेता बनने के सपने देखने वाले जर्मनी को अब अपना घर बचाना मुश्किल हो रहा था। हार की वजह उसके अपने ही लोग थे जो दुश्मनों को खुफिया जानकारी मुहैया करवा रहे थे और लगातार मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी की ओर बढ़ रही थी। हिटलर ने अपने आप को बचाव के लिए बर्लिन में एक खुफिया बंकर में शरण ली जिसमें उसके साथ कुछ भरोसेमंद सैन्य अफिसर और उनके गर्लफ्रेंड भी थे। अब मित्र देशों की सेनाओं को तलाश थी तो बस तानाशाह हिटलर और वो उन्हें तलाशने के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रही थी। लेकिन हिटलर को भरोसा था कि जर्मनी सेना दुश्मनों को जर्मनी में घुसने नहीं देगी। लेकिन मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी की सभी ताव ध्वस्त कर दिए और जिसे देखने के बाद हिटलर के पास दो ही रास्ते रह गए। एक तो खुद को बाहर निकाल कर सरेंडर कर दे, दूसरा कि वो आत्महत्या कर ले। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे उनके मित्र इटली के तानाशाह मुसोलिनी की हत्या कर उनकी डेड बॉडी के साथ लोगों ने जो बर्बरता की थी उसे याद करके हिटलर कभी नहीं चाहता था कि वो दुश्मनों के हाथ लगे या सरेंडर करे। इसलिए उसके पास एक ही रास्ता था कि वो खुदकुशी कर ले। कहा जाता है कि हिटलर खुदकुशी करने का मन बना लिया था। इससे पहले उसने अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दी, उससे शादी करने के लिए कहा। उसके बाद वहाँ मौजूद सैन्य ऑफिसर की मदद से एक प्रीस्ट को बुलवाया गया और हिटलर ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसी बंकर में शादी कर ली और वही एक पार्टी के आयोजन करता है। जिसके बाद हिटलर ने अपनी गार्ड को कहता है कि मेरी मौत के बाद मेरी लाश को दफनाने की बजाय जलाया जाए और साथ ही में मेरे कमरे में मौजूद मुझसे जुड़ी हर चीज को जलाकर नष्ट कर देना। ये सुनकर गार्ड पूरी तरह हैरान हो जाते हैं कि हिटलर एक ईसाई होकर भी ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ईसाई धर्म में डेड बॉडी को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। इसके बाद कोई विशेष प्रकार के जहर साइनाइड अपने पसंदीदा कुत्ते पर प्रयोग करता है जिसकी तुरंत बाद उस कुत्ते की मौत हो जाती है। जैसे हिटलर को जानकारी मिलता है कि बर्लिन शहर पूरा खंडहर हो चुका है और उसे बचाना लगभग नामुमकिन हो गया है तो वो खुद को अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक बंकर के किसी एक कमरे में बंद कर लेता है और कुछ ही देर बाद गार्ड को हिटलर की कमरे से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद यहाँ मौजूद सभी अफिसर हैरान हो जाते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर देखते हैं हिटलर और उनकी पत्नी दोनों का मृत्यु हो चुका है। हिटलर ने अपनी पत्नी को साइनाइड देकर खुद को गोली मार ली थी जिसके कारण दोनों की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ मौजूद सैन्य अफिसरों ने हिटलर के कहे अनुसार उसकी सभी तमाम चीजों को उसकी पत्नी और उसके साथ जलाकर नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन ऐसा भी आया जब रूसी सेनाओं ने खुफिया बंकर तक पहुंच गई थी और उसने यह खुदाई की जिसमें कुछ चीजें मिली जिसमें कुछ दांत भी शामिल थे। और इसे पुष्टि करने के बाद रूसी सरकार दुनिया को कहती है कि 29 अप्रैल 1945 को हिटलर की मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों उसके बाद कई लोगों ने दावा किया है कि हिटलर को भेष बदल के घूमते हुए देखा है। तो आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।